हनुमान अब शीघ्र ही अयोध्या चलो। प्रभु आप हनुमान के कंधे पर आरूढ़ हो जाइए, मैं आपको शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दूंगा। जय श्री राम। जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे शत्रुघ्न। राम भैया सारथी आगे बढ़ो। राम राम क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये तो पिताश्री की पुकार है, वो हमें ढूंढ रहे हैं। हनुमान शीघ्र ही नीचे चलो। जो आज्ञा प्रभु जी। अनुचित किया हनुमान ने। इस कृत्य के लिए हनुमान को अवश्य दंड मिलना चाहिए। राम भैया को हमसे दूर ले जाने का साहस भी कैसे किया तुमने हनुमान? इसका निर्णय सभा में होगा। एक वानर को उसकी पूंछ सबसे अधिक प्रिय होती है। जीजा श्री से कह के उसकी पूंछ काटने का दंड दिलवाऊंगा उसे राज्यसभा में। तुच्छ वानर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। अवध राज की चिंता हर कर सकुशल आए हनुमत रघुवर। राम को पाकर हर्षित है जन, आनंदित है रघुकुल नंदन। हनुमत बन कर संकट मोचन, बस गए राम लला।
हर पल रखते राम का ध्यान, जय रघुनंदन जय हनुमान। ये गाथा बाहुबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज मुझे लगता है कि हनुमान के इस कृत्य का परिणाम और भी भयानक हो सकता था। मार्ग में राजकुमार राम पर राक्षसों का आक्रमण हुआ। वो तो ईश्वर की कृपा रही कि राजकुमार के प्राण बच गए। अन्यथा अनर्थ हो जाता। इसीलिए हनुमान को राजकुमार राम के अपहरण का दंड मिलना ही चाहिए। किंतु हमें स्मरण रहना चाहिए कि हनुमान अभी एक अबोध बालक है। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु अपराध का दंड तो बालकों को भी दिया जाता है, जिससे उन्हें सीख मिलती है। और यदि राजकुमार राम को राक्षसों के आक्रमण से क्षति पहुंचती, तो भी क्या आप यही कहते हैं? हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। हमारे राम के प्राण इसने संकट में डाल दिए, हनुमान को दंड मिलना ही चाहिए। इस कृत्य में हनुमान का उद्देश्य राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना नहीं था। यदि राम को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती तो अवश्य ही ये गंभीर अपराध सिद्ध होता, क्योंकि राम राज्य के होने वाले युवराज हैं। अतः इस प्रकरण के विषय में न्याय सभा निर्णय लेगी, किंतु दंड का निर्धारण करते समय हमें यह ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हनुमान को वैद्यराज ने हमारे संरक्षण में छोड़ा इस आशा से कि हम हनुमान को अपने पुत्रों की भांति ही रखेंगे। वामदेव जी, आप और ये सब अष्ट सचिव अयोध्या के न्याय व्यवस्था के कर्णधार हैं, न्याय विशारद हैं आप सब। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण के विषय में आप अपने विचार प्रकट करें। राजन, अपराध यदि गंभीर हो तो अपराधी की आयु या उद्देश्य की अपेक्षा अपराध पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी दृष्टिकोण में हनुमान अपराधी। वामदेव जी की बात से सहमत हैं। किंतु किसी भी अपराध के पीछे उसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान का उद्देश्य राजकुमार को हानि पहुंचाना नहीं था, और इसका प्रमाण है राजकुमार की सकुशल वापसी। मैं हनुमान को अपहरण का आरोपी नहीं मानता। अपहरण करने वाला अपहृत व्यक्ति को वापस लेकर नहीं आता। मेरी दृष्टि में हनुमान आरोपी नहीं है। मैं भी मान्यवर की बात का समर्थन करता हूं। मैं यहां
कुमार युधाजीत की बात को पुनः कहना चाहता हूँ। यदि राक्षसों के आक्रमण से राजकुमार को किसी भी तरह की क्षति पहुँचती तो क्या आप सबका विचार यही होता? हनुमान के इस कृत्य को अपहरण नहीं कह सकते, किंतु अपराध अवश्य हुआ है और अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। हनुमान के साथ जो हो रहा है वो अनुचित है। सभी बालक इस प्रकार की भूल करते हैं जब माता पिता उन पर अपने नियमों के बंधन थोपते हैं। हाँ दीदी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, किंतु प्रश्न राम की सुरक्षा का है। वो राज्य के होने वाले युवराज हैं। पुत्र राम, तुम इस विषय में कुछ कहना चाहते हो? गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो। आयुष्मान भव। पिताश्री, हनुमान ने मेरा कुछ अहित नहीं किया है, ना ही मेरे साथ बल प्रयोग किया है, किंतु ये सत्य है कि हनुमान इस राज्य के नियमों के विरोध गया है। अतः न्याय मंडल एवं आपके विधान के द्वारा ही हनुमान के लिए दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। किंतु मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि संपूर्ण सत्य को जाने बिना किसी भी प्रकार की राय नहीं बनानी चाहिए। जीजा श्री, हमारे भांजे राम का हृदय उदार, परंतु इस सत्य को भी ध्यान में रखा जाए कि हनुमान ने माया से अपना आकार बढ़ाकर मंथरा और बाकी सभी बालकों को भी भयभीत कर दिया। किंतु मामा श्री, तनिक भी भयभीत नहीं हुई थी। हाँ, हमें तो आनंद आ रहा था, भय नहीं लगा। महाराज, यदि ये सत्य है तो हनुमान यहाँ इस राज्यसभा में अपना आकार बढ़ाकर दिखाएं। तुम्हें अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना सीखना होगा, और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना जब सच में उनका प्रयोग करना आवश्यक हो। क्या हुआ हनुमान, कोई दुविधा है क्या? महाराज, माँ ने मुझे एक सीख दी थी कि यह कारण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। ये अकारण नहीं है हनुमान, ये न्याय सभा में उठाया गया एक प्रश्न। कुमार युद्धजीत, सभा में जिस आरोप पर चर्चा हो रही है उसी पर स्थित रहिए, उसे किसी अन्य दिशा में मोड़ने का यत्न मत कीजिए। जीजा श्री, आप इस राज्य के राजा हैं, आपको अपने न्याय से सबको सीख देनी चाहिए ताकि ऐसा करने का साहस कोई पुनः ना कर सके और ये सबके लिए उदाहरण बन जाए।
महाराज, मैं मानता हूँ बिना किसी की अनुमति लिए प्रभु जी को यहाँ से ले जाना अनुचित था। इस अपराध के लिए आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। हाँ, स्वीकार कर लिया मुर्खवाना, अब तो इसे अवश्य दंड मिलेगा। हनुमान, नियम के अनुसार मैं तुम्हें वही दंड दूंगा जो यदि तुम्हारे स्थान पर मेरा पुत्र होता तो उसे भी देता। नियम तो कहता है कि राजकुमार को इस प्रकार ले जाने का दंड बहुत कठोर होना चाहिए, किंतु अपराध का उद्देश्य एवं हनुमान की आयु को ध्यान में रखकर मैं ये आदेश पारित करता हूं कि मेरे अगले आदेश तक हनुमान का महल में प्रवेश वर्जित होगा। और हनुमान महल के बाहर अतिथि गृह में निवास करेगा। ये राम से तो दूर रहेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राजकुमारों, ये लड्डू आप सबके लिए। मेरा अभी मन नहीं है। राम भैया, क्या हो गया है आपको? मैं समझ गया, भैया हनुमान को दिए गए दंड के बारे में सोचकर दुखी हैं। किंतु राम भैया, कोई आपको हमसे दूर ले जाए हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? ठीक ही रहा जो हनुमान को दंड मिला, अब वो महल में तो नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण, मेरी उदासी देखकर हनुमान अपनी माँ के पास लौट कर नहीं गया, और मेरे लिए वो अपनी माँ परिणियों से दूर मेरे साथ यही रुकता। सोचो कितना प्रेम करता होगा वो मुझसे, किंतु दंड मिलने के कारण अब वो मुझसे दूर हो गया है। क्या बीत रही होगी उसके हृदय पर। प्रभु के प्रति मन में अनुराग, दूर हुए कैसा ये भाग्य, भक्ति का है ये कैसा फल, हनुमत होते चिंत विकल,
भोले भक्त को कैसे भूले, भक्त के चित्र नयन में झूले, चिंतित हनुमत राम बिना, राम व्यथित हनुमान बिना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं राम भैया। लक्ष्मण, तुम्हारी बातें हनुमान में मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मुझसे दूर होने का दुख तुम्हारी तरह हनुमान को भी हो रहा होगा। जो दुख स्वयं को पीड़ा देता है, उस दुख की कामना किसी और के लिए नहीं करनी चाहिए। जी को बिना किसी की अनुमति लिए इतनी दूर ले जाना अनुचित ही था ना, किंतु जो दंड मिला हनुमान को वो तो बहुत ही बड़ा दंड है। मेरे प्रभु जी, मेरे आराध्य, उनसे दूर कर दिया हनुमान को। प्रभु से दूर नहीं, अभी तो उनकी सेवा करने आया हूँ, किंतु इस दिन के पश्चात मैं अपने प्रभु से कैसे मिल पाऊंगा। हनुमान, भोजन ग्रहण कर लीजिए, महारानी ने भेजा है आपके लिए। कभी भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए, किंतु मैं क्या करूं? मुझे अभी भोजन ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, जब इच्छा हो तब कर लीजिएगा भोजन। धन्यवाद। सखा, अब तुम देखना हनुमान ध्यान रखेगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अनुचित हो, सबको प्रसन्न रखेगा हनुमान। प्रणाम माता। चिरंजीवी भावा। ये देखो, मैं तुम सबके लिए रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिका लाई हूँ। इन्हें धारण करने से बुरी शक्तियां सदैव दूर ही रहती हैं। और ये रक्षा सूत्र किकवी बांधेगी अपने प्रिय भाइयों के हाथों में। रक्षा सूत्र और देवी शक्ति मुद्रिकाएं कुल गुरु वशिष्ठ ने मंत्र पूरित करके दी है। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। अब वो बचा हुआ रक्षा सूत्र
मैं हनुमान को बांध के आती हूँ। क्षमा करे महारानी, अब क्या कहूँ आपसे, असत्य बात आए तो जीवा कट जाए। मुझ बुढ़िया से तो इस भवन की सभी दासियां चिढ़ती हैं। अब इसे ही देखिए, जानबूझकर टकरा गई मुझसे। मैं तो देखने आई थी कि सभी राजकुमारों को और विशेष रूप से मेरे राम को रक्षा सूत्र बंध गया है कि नहीं। बंध गया रक्षा सूत्र। आज्ञा महारानी। मैं हनुमान को ये रक्षा सूत्र बांध के आती हूँ। रक्षा सूत्र बनवा दिया है उस दुष्ट ऋषि ने दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के हाथ में। अब हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे? हमें लंकेश को सब बताना होगा, वही कोई उपाय निकालेंगे। हमें अमावस्या से पहले राम को लेकर लंका जाना है। पहले मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दिया और अब सुमित्रा माता ये रक्षा सूत्र बांध गई। सखा, क्या प्रभु भी मेरी ही भांति व्याकुल हो रहे होंगे हनुमान के लिए? सखा, प्रभु को तो सारे भाई घेर के बैठे रहते हैं, उन्हें का समय है मुझे स्मरण रखने के लिए। देखो सखा, हनुमान तो बावला हो गया है। हनुमान जागा हुआ है तो भी उसे स्वप्न आ रहे हैं। प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। सखा, मुझे तो अभी भी प्रभु दिख रहे हैं। क्या हुआ मित्र हनुमान? प्रभु आए हैं भक्त के पास, भक्त को नहीं हुआ विश्वास। खुले नेत्र का सपना है क्या, पास में प्रभु अपना है क्या? खोए हनुमत स्वयं भुलाने, राम भगत का मन पहचाने। राम की माया राम ही जाने, भेद कौन इनका अनुमाने। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
आप यहाँ क्यों चले आए? आप मेरे दंड के लिए दुखी मत होइए। हनुमान, दंड तो हमें भी मिला है, तुमसे दूर हो गए हैं। किंतु प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? यदि आपको यहाँ देखकर कोई आप पर आपत्ति उठाए, ये उचित नहीं होगा। हनुमान, पिताश्री का आदेश तुम्हारे महल में प्रवेश ना करने का था, मेरा यहाँ आने से रोकने का नहीं। अरे वाह, माँ के बनाए हुए लड्डू, इन्हें देखकर तो तिरुशुदा सताने लगी है हनुमान। तो आइए विराजिए। जय हनुमान, जय रघुवर राम। जय हनुमान, जय रघुवर राम। जय हनुमान, जय रघुवर राम। क्या हुआ हनुमान? प्रभु, हनुमान को भी तीव्र क्षुधा सता रही है। राम बिना हनुमान हनुमान राम। माँ, माँ आ रही है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। पुत्र राम, तुम यहाँ क्यों चले आए? पिताजी, हनुमान हमारे अतिथि हैं, और आपने ही तो सिखाया था कि अतिथि को वही सुविधा और सत्कार प्रदान करना चाहिए जो हम स्वयं उपभोग करते हैं। बस वही देखने मैं यहाँ चला आया। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया राम। माँ, मैं तो ये भी कहना चाहता था कि मेरे अयोध्या से बाहर जाने में हनुमान की भांति ही मैं भी दोषी हूँ। पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ पिताश्री, हनुमान ने किसी से अनुमति नहीं ली थी ना, और मैं भी बिना किसी की अनुमति के अपने इच्छा से अयोध्या के बाहर गया था, तो मैं भी तो उतना ही दोषी हूँ ना। जहाँ बना है भगत का धाम, वहीं विराज रहे प्रभु राम। छोड़ के आए राज भोग सुख, कैसे देखे राम भगत दुख। भक्त समीप रहे यह भान, अतिथि मान का रखते ध्यान। जैसे एक कोख से जन्म, ऐसे जुड़े हैं राम हनुमान। राम, दोषी ना तो तुम हो और ना ही हनुमान। मैंने इस विषय में कुलगुरु वशिष्ठ, मंत्री और सलाहकारों के साथ चर्चा की, और उनका निष्कर्ष था कि हनुमान ने कोई अपराध किया ही नहीं। अतः मैं हनुमान को आदेश देता हूं कि अब से हनुमान महल में मेरे पुत्रों की भांति ही रहेंगे। यह स्थान तो बड़ा ही भयावह प्रतीत होता है युद्ध जी, बताइए तो
किससे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं आप मुझे? ये मृतदेह की दुर्गंध है, जैसे गुरुदेव वशिष्ठ ने बताई थी। कुमार युद्धजीत, ये किससे मिलाने ले आए हैं आप मुझे? मंथरा, मैं तुम्हें यहां लंकापति रावण से मिलवाने लाया हूं। लंकापति रावण? लंकेश, क्या हुआ मंथरा? हमें देख कर ही हूं आश्चर्यचकित क्यों हो रही, या मैं तुम्हें दैत्यराज बलि की बहन कहूं? के अवसर पर मैं तुम दोनों को अपने हाथ से लड्डू खिलाऊंगी। हनुमान आओ। जी क्या कह रहे? मंथरा दैत्यराज बलि की बहन थी। हाँ मंथरा, तुम्हारा भाई राजा बलि, जिससे दान में मांग लिया था सर्वस्व, उस छलिया नारायण ने वामन अवतार धारण करके मरण तो है ना? अरे भाई, तीनों लोक का वैभव छीन कर उसे पाताल लोक में बसने के लिए विवश कर दिया था उस नारायण ने। उस न्याय का प्रतिशोध लेने के लिए तुमने मंथरा के रूप में जन्म लिया है। उस नारायण के नर अवतार का राजपाट छीनने के लिए तुमने ये जन्म लिया है। किंतु मेरे पूर्व जन्म का स्मरण करा के आप मुझसे क्या चाहते हैं लंकेश? मित्रता, शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है, और वो नारायण मेरा वैरी है। आप
का पराक्रम और वीरता की गाथाएं प्रसिद्ध है लंकेश, किंतु जहां बल और छल नहीं चलता वहां चलती है हम जैसों की चतुराई। क्या चाहते हैं आप मुझसे? एक तुच्छ सा कार्य करना है तुम्हें। ज्येष्ठ दशरथ पुत्र के हाथ का रक्षा कवच तोड़ना होगा तुम्हें। शेष कार्य तो फिर मेरे सेवक पिशाच कर ही लेंगे। और इस कार्य के लिए रावण तुम्हें इतना सोना देगा जिसकी तुमने कल्पना भी ना की। ये भी हो सकता है कि युद्ध जीत को मैं अयोध्या का राजपाट दे दूं, परंतु वो केवल कार्य सफल होने के पश्चात। माता, ये तो बड़े ही मधुर लड्डू हैं, जैसे मेरी माँ बनाती है ना लड्डू, बिल्कुल वैसे ही। जहां बड़ा होता है वहां सोना तुच्छ होता है लंकेश। ये मिट्टी के ढेले हैं मेरे लिए। आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य, आपका शत्रु मेरा शत्रु। भूत पिशाची मित्र हो गए हैं तो ये रक्षा सूत्र क्यों? आपका कार्य हो जाएगा लंकेश, आज रात्रि में ही मैं दशरथ पुत्र राम का रक्षा सूत्र तोड़ दूंगी। और उसके कक्ष के बाहर जलती हुई मशाल संकेत होगा आपके पिशाचों के लिए। ले जाइएगा राम। पर है अर्पण नेत्रामय
ये वानर भी इधर, कोई बात नहीं, ये दोनों निद्रा मग्न हुए और कौशल्या रानी गई कि बस फिर वानर जान भी नहीं पाएगा कि राम कहाँ गया। सावधान रहो, मंत्रा का संकेत मिलते ही बिना एक पल गवाए उस दशरथ पुत्र को उसके कक्ष से उठा लाना है हमें। निद्रा सो रहा है ये, कौशल्या रानी को भी आज ही से यहां सुलाना था। कैसी निद्रा है दुष्ट की, किंतु इसे तो यहां से हटाना आवश्यक है। कान में यही मंत्र भूकती हूँ, राम का नाश राम के नाम से ही हो तो काम आ जाए। तुम राम के कक्ष में शायद
महाराज ने मुझे अनुमति दे दी है महल में आने के लिए। इसीलिए तो समझा रही हूँ तुम्हें, महाराज दशरथ ने तुम्हें भवन में आने की अनुमति दी है, राम के कक्ष में सोने की नहीं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देख लिया तो वो पुनः क्रोधित तो उठेंगे, और हो सकता है कि वो तुम्हें भवन से बाहर जाने का आदेश पुनः दे दे। ये तो हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम अपने कक्ष में सो जाओ। तो राम का रक्षा सूत्र ही तोड़ दिया, मुद्रिका भी हटा दी, अब क्या होगा? अब पिशाचों का मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। कौशल्या माता ने मुझे प्रभु के साथ चलाया था, किंतु मंत्रा काकी ने, ये भी हो सकता है कि मंत्रा काकी सत्य कह रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि महाराज पुनः क्रोधित हो जाएं। ये तो
रक्षा सूत्र है। प्रभु का रक्षा सूत्र हो सकता है ये। किंतु ये टूटा कैसे? कहीं मेरे प्रभु किसी संकट में तो नहीं है? लेकर जाना ही है। अच्छा, तो ये इन पिशाचों का प्रमुख है। Ah!
बताओ, छोड़ दे मुझे वानर, कोई तो मुझे बचा। पिशाच तो अवश्य ही प्रभु की निंद्रा बंद कर देंगे। मुझे इन्हें महल से बाहर ले जाना पड़ेगा। यदि इनका प्रमुख पकड़ा गया तो वो छुड़ाने के लिए चिल्लाएगा। सबको उसका आदेश मानना ही पड़ेगा। यही एक उपाय है पिशाचों को बाहर करने का। सखा, कोई छुड़ा मुझे। मैं तेरा लहू पी जाऊंगा। अभी लहू बाद में पीना, पहले अपने प्रमुख को तो छुड़ा लो। हनुमान के रहते प्रभु की निंद्रा भंग करने चले थे। अब तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत दूर ले चलूंगा। तुमने भूल कर दी है, तुम्हारी बुद्धि भिड़ गई है वानर। तुम तो हमें हमारे ही क्षेत्र में ले आए। तुमने भूल कर दी है, तुम्हारी बुद्धि भिड़ गई है वानर। तुम तो हमें हमारे ही क्षेत्र में ले आए। है तो वानर बुद्धि, मूर्ख चपल चंचल, स्वयं ही चलाया हमारा भोजन मन ने। और तूने ये जो रक्षा सूत्र बांधा है, ये साधारण धागा है। ये पिशाचो, ये तो मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था कि ये धागा नकली है। यदि असली होता तो तुम सब मेरे पास भी ना आ पाते और कर देते मेरे प्रभु की निंद्रा भंग। और अब मैं हनुमान करूंगा तुम्हारे अंग भंग।
छोटा है किंतु साहसी है ये वानर। हमारे ही क्षेत्र में हमें चुनौती दे रहा है। वो भी बिना रक्षा सूत्र के। छोटा है किंतु साहसी है ये वानर। हमारे ही क्षेत्र में हमें चुनौती दे रहा है। वो भी बिना रक्षा सूत्र के। ये कहाँ लुप्त हो गए? कहीं ये फिर मेरे प्रभु के पास ना चले जाए। तो वहाँ है ये। अरे ये भी अदृश्य हो गया। ये कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे साथ? ये कहाँ दृश्य हो गए? अच्छा तो ये माया से भ्रमित कर रहे हैं हनुमान को, किंतु मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। उछल कूद मचा रहा है तू। अच्छा रहा इस मूर्ख वानर की बुद्धि फिर गई। ये हमें स्वयं अयोध्या से इतनी दूर ले आया। अब तुम में से कुछ मेरे साथ चलो, शेष सब यहीं रहकर इस वानर को उलझाए रखो। मैं अयोध्या जाकर लंकेश का कार्य संपन्न करता हूं। चलो। तो पीछे से वार कर रहे हैं ये। तो इस भूल भुलैया का लाभ उठा रहे हैं। समझ गया कि मुझे क्या करना है। धन्यवाद सखा।
पिशाच। अच्छा तो मुझे यहाँ उलझाकर ये अयोध्या जा रहे हैं। मैं इन्हें अयोध्या तक पहुँचने नहीं दूंगा। हनुमत युद्ध करें युक्ति से, प्रभु प्रतिभाव भरे भक्ति से, महासमर माया विचाल, हनुमत बन रहे प्रभु की ढाल। चल न सकी पैशाचिक चाल, युद्ध विशारद अंजनी लाल, अद्भुत विकट महासंग्राम, हनुमत करते प्रभु का काम। ये हमें रोकेगा। तो ये धूम्र बनने का लाभ उठा रहे हैं। इनकी युक्ति इनको ही रोकेगी। अब इनके धूम्र बनने का लाभ मैं भी उठाऊंगा। बनो, मैं तुम सबको उस ओर जाने ही नहीं दूंगा। अच्छा तो ये है तुम्हारी निद्रा ना आने का कारण। इनसे मेरी सुरक्षा कर रहे हो तुम हनुमान। ये तो गया। हम पिशाचों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। सखा। पहले ही तुम धूम्र रूप में हनुमान से बचकर निकल जा रहे थे, लेकिन पिशाच रूप में तुम्हें हनुमान से कोई नहीं बचा सकता। तू कुछ भी कर ले वानर,
इस बालक को तो हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम प्रभु को स्पर्श भी नहीं कर सकते। हनुमान तुम्हें इतनी दूर फेंकेगा कि तुम वापस कभी लौट कर नहीं आ पाओगे। इनको नहीं रोका तो ये पृथ्वी मंडल से बाहर चले जाएंगे। इस वानर को हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है। इसे दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। किंतु उससे पहले हमें इस दशरथ पुत्र का अपहरण करना आवश्यक है। चलो। हनुमान, तुमने पुनः मेरी रक्षा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु प्रभु, मैं आपकी निद्रा भंग होने से नहीं बचा पाया। हनुमान, निद्रा तो पुनः आ जाएगी, किंतु ये पिशाच बड़े ही हठी होते हैं, पुनः आ सकते हैं ये। प्रभु, उसका उपाय भी है मेरे पास। मैं अभी आया। मुझे ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। वो दशरथ पुत्र अकेला है कक्ष में। यही अवसर है उसका अपहरण करने का। चलो। इतनी दहक क्यों रही है? उसका धूम्र भी तीव्र हो रहा है। पिशाचों के कार्य में हस्तक्षेप किया है, इसका दुष्परिणाम भोगना होगा तुझे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुगंध,
ये तो यज्ञ की पवित्र धूम्र की सुगंध है। वायु दिशा तो एक और है नहीं, फिर ये भवन की ओर कैसे आ पहुंची? राजकुमार राम के कक्ष से धूम्र निकल रहा है, अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है। भागो 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 भागो, भागो! यज्ञ के धूम्र की सुगंध, किंतु इस ओर कैसे? अरे दौड़ो कोई, राम के कक्ष में धूम्र है। राम राम राम, हनुमान ये उपाय तो बहुत ही उत्तम है, किंतु ये उपाय के बारे में तुमने सोचा कैसे? प्रभु, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि यज्ञ के मंत्र में ही नहीं, यज्ञ के धुएं में भी बहुत शक्ति होती है। वो किसी भी असुर या अन्य प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। प्रभु, आप अपना हाथ आगे कीजिए। प्रभु को रक्षा सूत्र बांध कर हनुमत बनते प्रभु संकट हर, जग पालक की रक्षा करते मन में किंतु गर्व नहीं धरते। मोहक लीला राम प्रभु की, दशरथ नंदन विश्व विभू की, जय हो भक्त और भगवन की, बोलो जय रघुवर हनुमन की। राधा बाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान जय, तुम जिसके साथ हो उसका भूत पिशाच तो क्या, कोई असुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती है। अब जब तुमने ये रक्षा सूत्र बांधा है तो मैं भी तुम्हें ये रक्षा सूत्र बांधूंगा। हाँ प्रभु। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। युद्धजीत, युद्धजीत, बड़ी सुख की निद्रा में डूबे हो युद्धजीत। मंथरा हूं मैं, कब से जगा रही हूं तुम्हें। अब इतनी रात्रि को कौन सी विपदा पड़ी? विपदा तो राम पर आ गई होगी, पिशाच ले गए होंगे उसे अब तक। हाहाकार मचने लगा होगा वहां, सब राम के कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे, रोना धोना मच गया होगा वहां राम के कक्ष में। राम, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे कक्ष में धूम्र कैसा? ये तुम दोनों एक दूसरे को रक्षा सूत्र क्यों बांध रहे?
चिंता मत कीजिए, ये धूम्रा तो मित्र हनुमान लाए हैं। माँ मैं सब बताता हूँ कि क्या हुआ। तो राम का रक्षा सूत्र तोड़ने में तुम सफल हो गई और पिशाचों को भी संकेत दे दिया। हाँ कुमार युद्ध, और उस वानर को भी हटा दिया है मैंने वहां से। कौशल्या रानी रो रही हो, चिंता में होंगे महाराज दशरथ। इसका अर्थ ये होता है कि पिशाचों ने जो चेतावनी दी थी सत्य हो सकती थी। हम तुम्हारे बड़े राजकुमार को लेने आए हैं और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और हनुमान ने आपकी रक्षा की? हाँ पिताश्री, हनुमान ने मेरी पिशाचों से रक्षा तो की ही। मुझे रक्षा सूत्र लाके पहनाया भी। तो ईश्वर की ही कृपा है कि उसने हमारे राम की रक्षा करने हेतु हनुमान को भेज दिया। परंतु राम के हाथ में तो रक्षा सूत्र बांधा गया था, फिर वो टूटा कैसे? मुझे ज्ञात नहीं है माँ, मैं निद्रा में लीन हो गया था। यह अत्यंत गंभीर विषय है। अयोध्या के होने वाले युवराज की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। और ये कार्य अवश्य महल के अंदर की व्यक्ति का है। किंतु वो कौन हो सकता है जो हमारे शत्रु की सहायता कर रहा है पिशाचों का साथ देकर? किंतु राम और हनुमान को तो मैं स्वयं सुला कर गई थी यहाँ से। अवश्य ही मेरे जाने के बाद कोई यहाँ आया होगा और उसी ने ये दुष्कृत्य किया है। किंतु एहसास कौन कर सकता है? जिसने भी ये किया तो मृत्यु दंड का पात्र। जिसने हमारे युवराज के प्राण संकट में डाले। छोटे से वानर बालक ने तुम पिशाचों की यह दुर्दशा कर डाली, वो भी बिना किसी रक्षा सूत्र के। और ऐसे शक्तिशाली वानर के बारे में ना तो लंकेश ने मुझे बताया, ना मंत्रा ने, ना युद्धजीत ने। वो वानर है तो छोटा बालक ही, किंतु अद्भुत शक्ति है उसमें। फिर तो कुछ करने से पूर्व उस वानर के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे कि वो पुनः हमारे कार्य में बाधा न उत्पन्न कर सके। और उसके लिए मुझे लंकेश रावण के पास जाना ही होगा।
मैंने किसी को रक्षा सूत्र तोड़ते हुए तो नहीं देखा, किंतु महाराज, मैंने रक्षा सूत्र धरती पर पड़ा पाया। तो ये स्पष्ट नहीं है कि रक्षा सूत्र तोड़ने का कृत्य किसने किया। सुमन जी। जी मैडम। इन आसुरी शक्तियों से सुरक्षा करने हेतु हमें सुरक्षा उपायों के ऊपर विचार करना होगा। जो आज्ञा महाराज। कुमार युद्धजीत, राजकुमार राम की सुरक्षा के लिए आपको और सजग रहना होगा। जी मंत्री जी, मैं पूर्णतया सजग रहूंगा। रामचंद्र के परम भगत की जनमन बोले जय श्री राम, कण कण बोले जय हनुमान। शेष अवतारी को नहीं सुहाए, हर की माया समझ ना आए। हर कोई चाहे राम की भक्ति, राम भगत में पावन मुक्ति। मैं तो राम भैया के लिए जो कर सकता हूँ वो हनुमान भी नहीं कर सकते। अवसर मिलने पर मैं ये प्रमाणित भी कर दूंगा। हमसे दूर ले गए थे मेरे राम भैया को। केसरी नंदन हनुमान की जय। राम, हनुमान, तुम सब इधर आओ। प्रणाम माता कैकेयी। तुम सब चलो यहाँ से, भोजन का समय हो गया है। जो आ गया माता कैकेयी। महारानी कैकेयी भी ना जाने कहां से राम और हनुमान के लिए इनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ने लगा। मेरी बातों का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इन पर। हनुमान, तुम्हें समझने में मैंने बहुत भूल कर दी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना पुत्र। माता कैकेयी, बड़े कभी छोटों से क्षमा नहीं मांगते, बड़ों को तो आशीर्वाद देना चाहिए। आप मेरी माँ के समान हैं, और माँ तो अपने पुत्रों को जानने में भूल नहीं करती। तुम बिल्कुल राम जैसे ही हो। संकट मोचन। वैसे ही सरल हृदय और वैसे ही सौम्य। महाबली हनुमान।
मैंने सुना है कि तुम्हें लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए मोती चूर के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह, मोती चूर के लड्डू, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोती चूर के लड्डू तो लखन भैया को भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छे नहीं लगते लड्डू। लखन, माता कैकेयी ने मोतीचूर के लड्डू अपने हाथ से बनाए हैं, और प्रिय लखन के बिना राम कैसे खा सकते हैं लड्डू? और साथ में खाने का आनंद ही कुछ और होता है। जैसी आपकी आज्ञा राम भैया। महाराज दशरथ ने तुम्हें भवन में आने की अनुमति दी है, राम के कक्ष में सोने की नहीं। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम अपने कक्ष में सो जाओ। हनुमान कहीं किसी को पता न दे कि मैं राम के कक्ष में थी। मैंने इन्हें रक्षा सूत्र तोड़ते तो नहीं देखा, किंतु ये कार्य मंत्रा काकी का हो भी सकता है। वानर, अवश्य ही तूने कोई माया की है महारानी कैकेयी पर। तू है भी तो बड़ा मायावी। हनुमान, तुम मेरे स्थान पर बैठ गए। राम भैया की दाहिनी ओर सदैव मैं ही बैठता हूँ। लखन भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था। रुको हनुमान। लखन, हनुमान हमारे अतिथि हैं, और स्वयं से ज्यादा अतिथि को सम्मान देना चाहिए, यही अतिथि धर्म की मर्यादा है। अब जब हनुमान ने यह स्थान ग्रहण कर लिया है, तो इन्हें यहाँ से उठाना अतिथि धर्म के विरोध है। मैं समझ गया हूँ राम भैया। अवश्य ही तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ मंथन चल रहा है मंथरा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ युद्धजीत, कि उस वानर ने बताया क्यों नहीं कि मैंने ही उसे कक्ष से हटाया था। वानर मंद बुद्धि होते। अच्छा, उसकी बुद्धि नहीं चली और तुम बच गए। किंतु वो मंद बुद्धि वानर कब तक बचा पाएगा राम को पिशाचु से? प्रणाम राजकुमार युद्धजीत, कैकेयी राज से आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मेरे लिए भेजो उसे। जी राजकुमार। मैं लंका से आया हूँ दशानन लंकेश का संदेश लेकर। लंकेश दशानन ने आप दोनों को इसी समय लंका बुलाया है।
लंकेश रावण ने अवश्य ही हमें दंड देने के लिए बुलाया होगा। काकी, आप सबने भोजन कर लिया? जब पूरा राज परिवार भोजन करेंगे तभी हम भोजन करेंगे राजकुमार। क्या हुआ राजकुमार राम? आप सब बैठिए, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हम कैसे? यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये मैंने पहले भी कहा था। नहीं राजकुमार, आप तो हमारे होने वाले राजा हैं। राजा को शासक नहीं, सेवक होना चाहिए। राजा की सेवा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भी तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, प्रजा है तो राजा है, प्रजा के बिना राजा कुछ भी नहीं। प्रभु, मैं भी आपका सहयोग करूंगा। कदाचित तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि प्रसन्न होकर जितना बड़ा पुरस्कार दे सकता है रावण, क्रोधित होकर उतना ही भयानक दंड भी दे सकता है रावण। मैंने तो हटा दिया था उस वानर को, किंतु ना जाने कैसे वो वापस पहुंच गया। लंकेश, हम पिशाचों के लिए वो संकट ही संकट था अयोध्या में। एक ओर यज्ञधूम्र और उस ओर उन सब के हाथों में मंत्र पूरित रक्षा सूत्र बंधे थे, और उससे भी बड़ा रक्षक वो वानर था। कैसे सफल होते पिशाच? हम भी आपके साथ इन्हें भोजन परोसेंगे। संकोच मत कीजिए, इस प्रकार समझिए कि आपका पुत्र आपको भोजन करा रहा है। आप बैठिए ना। आप नीचे मत बैठिए, आप मेरा स्थान ग्रहण कीजिए। राजकुमार, आपकी आज्ञा मानकर हम भोजन के लिए तो मान गए, किंतु आप हमें वहाँ बैठने के लिए मत कहिए, वो स्थान आपका है।
प्रजा के लिए आपका प्रेम अद्वितीय है। कितना भी बलवान हो उसमें कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। यदि उस दुर्बलता पर प्रहार किया जाए तो बलवान से बलवान को धराशाही किया जा सकता है और इस वानर बालक की तो केवल एक ही दुर्बलता है, उसका राज्य और उसकी मां। ये क्या हो रहा है? वो क्या रहा है ये? राजकुमार अपने हाथों से भोजन परोस रहे और तुम सब आनंद से भोजन ग्रहण कर रही। लज्जा नहीं आती? हाँ, लज्जा नहीं आती तुम सबको? तुम्हारे होने वाले राजा तुम सबकी सेवा कर रहे हैं और ये सब तुम सबके कहने पे कर रहे हैं ना? राम तो भोले तुम्हारी बातों में आकर तुम सबकी सेवा करने लगे। कंठ के भागी हो तुम सब। यदि सुमेरु पर संकट आ गया तो वानर बालक एक क्षण भी अयोध्या नहीं रुकेगा। समझ गए ना पिशाचो, तुम्हें क्या करना है? समझ गया लंकेश। सुमेरु पर आक्रमण उत्तम, अति उत्तम। एक और उस वानर बालक की मां अंजना और एक और उसका मित्र जिसकी रक्षा करोगे वानर बालक, सुमेरु की या अयोध्या की? उत्तम, अति उत्तम। क्षमा करें माता, मैंने ही इन्हें भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया था, इसमें इनकी कोई भूल नहीं है। किंतु राम, यदि तुमने आग्रह किया भी था तो इन सबको समझना चाहिए कि ये सब राज नियम के विरुद्ध है। सेवक और शासक है तो मनुष्य ही ना, इनका जन्म राज परिवार में नहीं हुआ उससे इनका मान सम्मान तो नहीं घट जाता है ना? यदि हमारे सेवक भूखे रहे तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं है भोजन करने का। राजकुमार का कर्तव्य है कि अपने प्रजा की देखभाल करे, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। तो
राम, ये सब सेवक है। क्षमा करें माता, अजिंदा का अर्थ तुच्छ नहीं होता। जितना मान सम्मान हमें मिलता है उतना ही मान सम्मान इन्हें भी मिलना चाहिए। और किसी को मान सम्मान देने से हमारा मान सम्मान नहीं घट जाता है माता। महारानी कैकेयी, अब इस बालक से भी सीख मिलने लगी आपको, अब तो संभल जाइए, अन्यथा इन सेविकाओं और आप में कोई अंतर नहीं करेगा ये राम। राम, पुत्र तुम्हारी सहृदयता और निस्वार्थ प्रेम अद्वितीय है। भयभीत मत हो, बैठ जाओ और प्रेम से भोजन ग्रहण करो। क्या हुआ? मैंने कहा ना, भयभीत मत हो, बैठो बैठो। परोस देता हूँ। अच्छा। सहजता से सुमेरु पर आतंक मचा देंगे, किंतु यहाँ तो प्रवान पर्वत की पवित्र बूटी का रस छिड़का हुआ है। अब हम कैसे कैसे सुमेरु वासियों के देह में प्रवेश करेंगे? किंतु समय कम है हमारे पास, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मित्र, जब से युवराज हनुमान सुमेरु से गए हैं, तब से महारानी अंजना ही नहीं पूरा सुमेरु ही उदास हो गया है। तुम सत्य बोल रहे हो, युवराज के मित्र भी उदास से रहते हैं, जैसे सारी क्रीड़ाएं ही भूल गए हो। हम भले इनकी देह में प्रवेश ना कर सके, बुद्धि तो भ्रष्ट कर सकते हैं, इनका माथा फिरा तो सकते हैं। किंतु एक बात है, हनुमान के जाने से यहाँ पर शांति भी है, अन्यथा कभी राक्षसों का आक्रमण, कभी किसी नाग का आतंक। ए, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब हमारे युवराज के कारण होता है? हमारे युवराज तो ऐसे ही हैं। युवराज के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? यही करना है हमें, यही करना है। इन समस्त सुमेरु वासियों के मन को दूषित करना है। एक बार इनका मन मस्तिष्क दूषित हो गया तो कैसी मित्रता, कैसा प्रेम। अराजकता हो जाएगी चारों ओर, अत्याचारी हो जाएंगे सब। राजन, यज्ञ की सभी मंत्रित की हुई पवित्र भस्म को इन सेवकों के द्वारा राजभवन के चारों ओर बिखरवा देने से पिशाच आदि बुरी शक्तियां जो कहीं भी छुपकर बैठी हो सब भाग जाएंगी।
इस भस्म को पूरे नगर में छिड़कवा दीजिए। अवश्य गुरुदेव, ऐसा ही होगा। सुमन जी महाराज, आप और सेवक रक्षकों को इस पवित्र भस्म वर्षा के कार्य में नियुक्त करा दीजिए। जी, संपूर्ण अयोध्या में इस पवित्र भस्म का वर्षा अत्यंत आवश्यक है। जितने शीघ्र हमें उन पिशाचों से मुक्ति मिलेगी उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। दो बार आक्रमण कर चुके हो, प्रथम यज्ञ भंग करने का प्रयास किया और द्वितीय राजभवन के कक्ष से राम के अपहरण करने का प्रयास किया। सुमन जी, शीघ्र जाइए आप। जो आज्ञा महाराज। मैं भी इस कार्य में सहायता करूंगा। अब मैं राम भैया को दिखा दूंगा कि मैं हनुमान से भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, पिताश्री, हम भी इस भस्म वर्षा के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। अयोध्या की सुरक्षा के लिए हम भी योगदान करना चाहते हैं। पुत्र लक्ष्मण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने स्वयं इस कार्य में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है। जब राज परिवार के सदस्य ऐसे जनहित कार्य में भाग लेते हैं तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कार्य के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता तो थी, क्योंकि इस पवित्र भस्म को एक दिन के पूर्व ही हमें संपूर्ण अयोध्या में छिड़काव करना है। पिशाचों से मेरे प्रभु और अयोध्या की सुरक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण करना है। क्षमा करें गुरुदेव, महाराज आप मुझे आज्ञा दें, मैं ये कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर सकता हूँ। मैं उड़कर ये पवित्र भस्म छिड़क सकता हूँ और उड़कर भस्म छिड़कने से कम समय में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और इन सबको श्रम करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हनुमान, यदि तुम ऐसा करते हो तो इससे हम सबकी सहायता हो जाएगी। पिशाचों के संकट से जितना शीघ्र मुक्ति मिल जाए नगर के लिए उतना ही अच्छा है। किंतु पुत्र, तुम अयोध्या के अतिथि हो और अतिथि से कार्य करवाना अनुचित होगा। किंतु गुरुदेव, अतिथि पराये नहीं होते, वो भी स्वजन्य ही होते हैं। यदि कोई अपना स्वजन्य संकट में पड़ जाए और हम किसी की सहायता ना करें, वो तो स्वार्थी ही हुआ ना गुरुदेव। आप मुझे आज्ञा दें। धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता ने उत्तम संस्कार दिए हैं। मेरी आज्ञा है शीघ्र ही ये कार्य पूर्ण करो। इस भस्म के छिड़काव से पिशाच आदि जहां कहीं भी छुपे बैठे होंगे उन्हें भागना ही पड़ेगा। हनुमान, तुम धन्यवाद के पात्र हो, किंतु पुत्र, तुम अकेले इस कार्य को कैसे कर पाओ? क्योंकि पवित्र भस्म की मात्रा बहुत अधिक है, तुम एक साथ इसे नहीं ले जा सकते हो। तुम अपने साथ इन सेवकों को भी ले जाओ जो आपकी सहायता करेंगे। आप उसकी चिंता ना करें महाराज, मैं कम से कम समय में ये कार्य भली भांति पूर्ण कर लूंगा।
बस आप मुझे आज्ञा दें। जैसे तुम्हारी इच्छा हनुमान, मेरी आज्ञा है तुम्हें। प्रणाम महाराज। हमें ज्ञात नहीं था हनुमान तो विशेष शक्ति से युक्त है। महाबली हनुमान की जय। 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 हनुमान का ये घमंड अच्छा नहीं है, सदैव दिखावा करने लगता है। रखो ये व्यर्थ का सामान अपने पास, हमें नहीं चाहिए। पुराना सामान बिक्री करते हो? ये अनुचित है मुखियन जी। जब आपको नहीं चाहिए था तो आपने क्रय क्यों किया? आपकी बुद्धि कर देंगे भ्रष्ट, हो जाएंगे सारे नाश। अवश्य महाराज केसरी से मैं कहूंगा आपके इस अनुचित व्यवहार के बारे में। महाराज केसरी क्या करेंगे? अरे कैसे राजा है वो, अपने पुत्र तक को दे दिया उन्होंने अपरिचित वैद्य को। रखो ये सारा सामान अपने पास। तूने मेरा सामान तोड़ा? हमसे भिड़ोगे? तुम्हारा ये साहस? तुम्हारा ये साहस? लड़ो लड़ो सुमेरु वासियों, लड़ो मरो। तो मेरा पूरा हो ही गया है। अब लक्ष्य सुमेरु का राजभवन। बस सुमेरु का राजभवन और उसकी अंजनी माँ। और ये सूचना पाते ही हनुमान एक क्षण भी नहीं रुकेगा अयोध्या में। राम काज लग तब अवतार, करत विनय कर युगल प्रसार। चकित चितव जन मन हर साते, गिर सम बजरंगी हो जाते। प्रभु की भूमि को करने पावन, प्रतिपल प्रस्तुत अंजनी नंदन। कार्य कठिन हो लघु या विशाल,
पल में करते केसरी लाल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पशुओं की देह में भी तो छुप सकते हैं पिशाच, और पशु स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी भी रक्षा हमें ही करनी होगी। समस्या आ गई है। लगभग सारी सामग्री पिशाचों के आक्रमण के कारण दूषित हो चुकी है। अब यज्ञ कैसे होगा? प्रणाम महाराज। ये अच्छा नहीं हुआ राजन। राजभवन और अयोध्या के लोगों की सुरक्षा का उपाय तो हमने कर दिया, किंतु सामग्री न होने से यज्ञ संपन्न कैसे होगा? पिशाचों का प्रभाव अयोध्या के आसपास बढ़ता ही जा रहा है। पवित्र भस्म छिड़क दिया है, किंतु मुझे वहाँ कोई पिशाच नहीं दिखे। आश्चर्य, अकस्मात सारे पिशाच कहाँ चले गए? हो सकता है वो भाग गए। हनुमान ने पूरी तरह परास्त किया था। नहीं सुमंत जी, पिशाच बहुत हठी होते हैं, इतनी सहजता से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और जब तक पिशाच राज समाप्त नहीं होगा, तब तक उनके आतंक की संभावना बनी रहेगी। किंतु गुरुदेव, पवित्र भस्म के छिड़काव से हमने सबको सुरक्षित कर दिया। हाँ राजन, हनुमान के कारण ये कार्य इतनी शीघ्रता से संपन्न हो गया, नगर सुरक्षित हो गया। किंतु अब हमें यज्ञ के बारे में सोचना होगा। यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है,
सात समंदर सात नदियों का जल इतने कम समय में कैसे आएगा? बिना सामग्री ये यज्ञ अपूर्ण न रह जाए। न जाने क्या होने वाला है। इस संकट से अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। यज्ञ में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं शीघ्र कुछ व्यवस्था करता हूं। प्रणाम करते कल्याण हो। सुमन जी, जी आइए। यदि ये यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु राम युवराज नहीं बन पाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु मैं करूं क्या?